शिवपुरी से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर तकरीबन 500 गाय मरी हुई पाई गई है। दोस्तों खबर बहुत हैरान कर देने वाला है। इस खबर को सुनकर आपको बहुत हैरानी होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 500 गायों की लाश जंगल में पड़ी हुई मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद ना तो आपको बजरंग दल वाले सड़कों पे दिखाई देंगे, ना ही विश्व हिंदू परिषद के लोग आपको दिखाई देंगे, और ना ही गौ रक्षा दल वाले आपको सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा हुआ है कि 500 गायों की लाश जंगल में पड़ी हुई मिली तो कैसे मिली। इस खबर के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस खबर को छापा जा रहा है, बताया जा रहा है। हल्का सा एक ट्वीट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं आज तक ने एक ट्वीट किया है, क्या लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तक ने लिखा है, एमपी सैकड़ों गायों की लाश जंगल में बिछी मिली, मालूम नहीं कहाँ से आई। बस एक ट्वीट किया गया है और नीचे आर्टिकल है। आर्टिकल को पढ़ने का वक्त किसके पास होता है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वाला एंगल नहीं है। वहीं आपको बताने वाला हूँ कि इस खबर को लेकर जो छापा गया है, एमपी तक ने जो लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में पूरा मामला क्या है। एमपी तक ने लिखा है, शिवपुरी में बेहद दर्दनाक नजारा देखने को मिला है। शिवपुरी के कटरिया तहसील के ग्राम सिलारपुर में सैकड़ों गायों की शव जंगल में पड़ी मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये गाय शिवपुरी झांसी राजमार्ग से महज 500 मीटर की दूरी पर आरक्षित वन भूमि पर पड़ी है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मृतक गाय आई कहाँ से, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब ये सवाल जो है वो सरकार के ऊपर उठता है कि ये 500 गाय आई तो कहाँ से आई, वो भी सारी गाय जो है वो मरी हुई है। अब इसको लेकर ना ही हिंदू संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं और ना ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा दल वाले आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मामला मुसलमान से जुड़ा होता तो उनको जिंदा जला दिया जाता, मार दिया जाता। अभी आपने सुना नासिर जुनैद की जो खबरें थी वो आपको सुनने को मिल रही थी, किस तरीके से हरियाणा में उन लोगों को इसी गौ हत्या के नाम पे उन लोगों को मार दिया गया, गौ तस्करी के नाम पे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आएगा कि 500 गायों की लाश जो है वो जंगल में मरी हुई मिली है। सारी के सारे गाय जो है वो बताया जा रहा है कि मरी हुई है। सारे गाय का जो शव है वो जंगल में पड़ा हुआ मिला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस QR कोड के जरिए से आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।